हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होर किदा चंगे? चलो खुश रहो ते मस्त रहो। हेलो, होली आ गई है, मिठाइयाँ तो बनी रही हैं, तो चलिए फिर हम नमकीन भी बना लेते हैं। आज मैं बनाऊंगी सेम, मैदे की सेम, जिसको नमक पारे भी कहा जाता है। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप लगभग 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश होके खाते हैं और चाय के साथ भी आप इसको शाम को एंजॉय कर सकते हैं। और तो और, इसको आप किसी ट्रैवलिंग में भी सेव करके ले जा सकते हैं और ये काफ़ी दिन तक चल सकती है। बच्चों के अगर आगे हम डिब्बा रख दें तो वो चटपट खा जाते हैं, इसलिए फिर आइए और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक कप मैदा, स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार अजवाइन, देसी घी 1/4 कप और 2 स्पून भुनी हुई सूजी। मैदे को हम एक बाउल में लेंगे, उसमें हम लगभग 1/4 स्पून नमक डालेंगे, 1/4 स्पून ही हमारे पास अजवाइन, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो हाथों से रब करके उसमें डाल देंगे। सूजी मैंने 2 स्पून ली है, आप कम भी कर सकते हैं। हल्का गुनगुना किया हुआ पिघला हुआ देसी घी का मोयन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे ये बहुत टेस्टी बन जाती हैं। रिफाइंड ऑयल वगैरह डालने से इनमें टेस्ट नहीं इतना आता जितना देसी घी का मोयन डालने से आता है। अब इस आटे को हम अच्छे तरीके से रब कर लेंगे, जितना ज़्यादा रब किया जाएगा ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आटे को कुछ देर तक अच्छी तरह मसलिए, उसके बाद हल्का हल्का पानी डालिए, पानी 1-2 चम्मच के करीब ही डालते जाइए, जितनी जितनी ज़रूरत पड़े उतना हल्का हल्का पानी डालिए, क्योंकि ये आटा काफ़ी सख्त गूंदना है, इसको सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं गूंदना। ये हमारा आटा अब गूंद के हो गया है तैयार, काफ़ी टाइट आटा गूंदा गया है। अब हम इसे किसी डिब्बी में ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 20 मिनट बाद जब हम इस आटे को देखेंगे तो ये हमारा तैयार डो हो चुका होगा। इसको हम फिर से थोड़ा सा गूंथने लग जाएंगे ताकि ये ऑयली हो जाए और इसका ऑयल अच्छे तरीके से बाहर निकल आए। फिर हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे या आप बड़ा पेड़ा भी इसका बना सकते हैं। इसको अब हम रोटी की तरह बेलना स्टार्ट करेंगे। बेलते समय हमें ये ध्यान रखना है कि इसे हम काफ़ी पतला करेंगे, जितना पतला कर सकते हैं लगभग हम उतना पतला करेंगे, क्योंकि मोटा रखने से ये क्रंची नहीं होगा। और पतली रोटी बेलने से इसका स्वाद ऐसे आएगा जैसे मुंह में डालते ही घुल जाने वाला। जब हमारी पतली रोटी बेल चुकी तो उसको हम चाकू से अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग शेप में काट लेंगे। मैंने इसको लंबा काटा है, आप इसको डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। अब हमने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था, मीडियम फ्लेम पे इसको रखना है हमने। अब हमारा तेल गरम हो चुका है तो हमने अपनी बेली हुई सेम इसमें डाल दी है, लेकिन हमें सावधानी ये बरतनी है कि इसको फुल स्पीड पे नहीं तलना, इसको स्लो फ्लेम पे ही तलना है, तभी इसमें वो क्रंचीपन आएगा। अगर हमने फुल फ्लेम पे ये तल दिया तो इसमें क्रंचीपन नहीं आएगा।
तो ये हमारी सेम ब्राउन कलर की हो गई हैं, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो ये हो गई हमारी सेम तैयार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।